नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। कोरोना काल का वो दौर तो आपको याद ही होगा जब फर्जी मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचे गए थे। हालांकि 100 रुपए के अंदर मिलने वाला ऑक्सीमीटर जो है 500 से लेकर के 1000 रुपए तक बेचा गया। वहीं अगर गैस सिलेंडर्स की बात की जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात की जाए, तो वो भी इतने ज़्यादा महंगे दामों के ऊपर बेचे गए। लेकिन इसी बीच एक नाम निकल करके आया सुरेश चौधरी का, जिसे अब भगोड़ा सुरेश चौधरी कह दिया गया है। हालांकि ये सुरेश चौधरी है क्या जो अखबार की सुर्खियों से लेकर के हर चैनल की सुर्खियाँ बना हुआ है, तो आपको बता देते हैं, सुरेश चौधरी वो नाम है जो कहीं ना कहीं जो मेडिकल हॉल आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो मेडिकल देख पा रहे हैं, ये वही मेडिकल है जिसका फर्जी लाइसेंस इशू करने के लिए पैसे मांगे गए थे, रिश्वत मांगी गई थी इसका लाइसेंस लेने के लिए। जब ये व्यक्ति रामविलास सुरेश चौधरी ड्रग इंस्पेक्टर के ये वही मेडिकल हॉल है जिसके एवेज के अंदर जिसके लाइसेंस इशू करने के लिए लगभग 40,000 रुपए की रिश्वत जो है एक बहुत बड़े ड्रग है। रामविलास जी, मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ड्रग इंस्पेक्टर सुरेश चौधरी रिश्वत मांगते थे मेडिकल का लाइसेंस देने के लिए और आपने ये पूरा का पूरा खेल रचा? पता क्या चलना जी, मेरे से तो मांगे थे एक। ठीक है, ये मामला है कब का, कब शुरू हुआ और कब जो है उन्होंने आपसे रिश्वत मांगी थी? जो है ना 6-8 को उनको रेड हैंडेड करवाया था। मैंने 22-7 को अपनी फाइल लगाई थी लाइसेंस लेने के लिए। इंस्पेक्टर से ही मिलता है? हाँ, बिल्कुल, ड्रग इंस्पेक्टर ही देता है वो। और जो जूनियर ड्रग इंस्पेक्टर होता है, जो सुरेश चौधरी था, इसका काम होता है इंस्पेक्शन करना, भाई उसमें कोई भी किसी प्रकार की कमी है तो वो कमी पे उसको 40,000 रुपए में हमने सौदा सेट। अच्छा, जब आप उनके पास लाइसेंस लेने के लिए गए थे, क्या आपके पास वैट डिग्री नहीं थी या फिर आपके पास क्या चीज नहीं थी जिसकी वजह से वो आपको टरकाते रहे? ऐसा है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने दे रखे थे टोटली है, कम से कम भी वो 1.5 करोड़ रुपए मंथली इकट्ठी करता था इस हार के अंदर, और बहुत ज्यादा करप्ट ऑफिसर था वो। अब देखो आगे क्या होता है उसका। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जब आप उनसे आप इससे सारी डिस्कस करो, सारी बातें ये बताएगा, उसने उसको नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद में पीएन जो है ना, पीएन ने मेरे को बताया भाई ऐसे इतने पैसे देने पड़ेंगे। उस पीएन ने ही हमारे बीच में जो है ना काम करवा ही लेता, हमने तो रिश्वत देनी नहीं थी। देखो एक बार बताओ, हमने काम करना है, कोई अफीम तो बेचनी नहीं है, ड्रग बेचनी नहीं, हमने दवाइयों का काम करेंगे, एक नंबर का हम अपना काम करेंगे, सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हम क्यों गलत काम करेंगे, हमने किस बात की रिश्वत दें भाई। सारे डॉक्यूमेंट जो देखे और कैसे पता चला आपको किस चीज का पता कैसे चला भाई? वो मांग रहा था पैसे, उसकी हमने जब पैसे मांग रहा था उसकी रिकॉर्डिंग कर ली भाई, ऐसे ही है अपने मोबाइल में ही। ठीक है, तो मेरे साथ यहाँ पर मनोज राय है, ऐसे है वो, बहुत पैसे वाला आदमी है। 15 साल में उसने कम से कम भी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अर्जित करी है, 100 करोड़ रुपए कमाए। तो एक बात आपने साफ है, जो 1.5 करोड़ रुपए महीने में मंथली इकट्ठी करता हो वो अकेला तो पैसे रखेगा? आम तौर के ऊपर पुलिस है ना, रुपया वाला आदमी को या VIP आदमी को या किसी बड़े नेता को, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करे? उनको गिरफ्तार करते उसका सिर में दर्द हो। अब एक बात बताओ, ये 2 महीने से फरार है, हमने पता है, हमारे सूत्रों से हमने पता कर लिया खड़ा है, चिट्ठी है मेरे पास। इसार शहर का जो मालिक है, इसार शहर का जो विधायक है, वो भी डॉक्टर है, कहीं ना कहीं ड्रग्स इंस्पेक्टर से जुड़ा हुआ है, हमारे पास फोटो भी हैं। जब ये पता ही नहीं है उसको, तो वो विधायक किस लिए है फिर? छोड़ देना चाहिए उसको अपना पद। विधायक को पता था, विधायक का हिस्सा था उसके अंदर। और मैं तो एक बात और बताना चाहूँगा इससे भी आगे, जितने भी मेडिकल हॉल हैं 700 के करीब, किसी मेडिकल हॉल वालों को नहीं पता था गुप्ता जी को आप बनाने लग रहे हो, यो एक गुंडा को लेकर तरसे पे बिठा देगा। गुप्ता जी ने सुरेश चौधरी की बदली हिसार में करवाई, उसको पूरी छूट दी कि भाई लूट ले जो लुटिया जा, मेरा ही सामान दे दिया कर। देखो कितनी बड़ी बात, मित्र होते हैं ये बिल्कुल साफ है, नहीं तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती। आज BJP के नेता उसको बचाने लग रहे हैं, जब मन ये पता है कि वो आपके गाँव में है, जब मन पता है, पुलिस को पता है, जब मन ये पता है कि वो बीजेपी के कहीं ना कहीं वो बच रहे आज, तो वो कहीं ना कहीं किसी के कारण तो बच रहे है। फिर लोग नु कहेंगे मनोज राठी पुलिस के खिलाफ है जी। देखो एक बात और आजकल चलाई हुई है कि मनोज राठी पुलिस के खिलाफ है।
और मैं बार बार नुकू, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं चोरों के खिलाफ हूं। लाडू बंडे हैं जिस दिन वो पकड़ा गया उस दिन। और मैं तो आज अपील करूंगा उन सभी भाइयों से कि सारे इकट्ठे हो जाओ, जो जो सबूत तारे पास हैं वो ले के दो ताकि इसको सजा करवाई जा सके। क्योंकि देखो करवाया होगा वकालतनामा साइन है, तो कहीं ना कहीं वकील उससे मिला होगा या वो वकील से मिला होगा। पुलिस ने कोई मतलब नहीं है, कोई किमें करो, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं। जो आदमी 100 करोड़ का है, बड़े बड़े नेता भी उसको करके। अब सुरेश चौधरी भागते हुए यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। मनोज जी मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता कि वो लड़कियों के कुर्ते पहन करके भाग रहे हैं? उसका गांव में, उसके गांव में उसके बतेरे ही तेजी हैं, बताने वाले ऐसे हैं उसके गांव के कई लोग। हमारा सवाल है, ये एक सवाल है, मैं पता है कुछ बड़े नेता और कुछ पुलिस के अधिकारी वो लोग इस क्या आप कुछ उसको विधायक कमल गुप्ता बचान लग रहे हैं, दुष्यंत चौटाला बचान लग रहे हैं, और भी नेता हैं। अच्छा दुष्यंत चौटाला का क्या रोल है इसके अंदर? दुष्यंत चौटाला से पूछा हो क्या रोल है, बता देगा? ये आपको अच्छे से पता होगा ना, आप बताइए क्या रोल है। आपको बताना चाहूं, एक क्रिमिनल आदमी बाज गया और वो किसी के घर पनाह ले ली उसने, तो पुलिस उसको तो अरेस्ट कर लेगी उस क्रिमिनल आदमी के जो उसको पनाह दी। लेकिन मजे की बात ये है कि इस चौधरी को पनाह देने वाले कुछ बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते आप लोग? वो पनाह देने लग रहे सारी दुनिया के सामने। अच्छा मनोज जी, आप बार बार कह रहे हैं कि जब हम ही ढूंढ लेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस वाले ना ढूंढ पाए? तो आप ही बता दीजिए ना कहाँ है। अरे विपक्ष के आदमी है तो क्या हुआ, ये 1200 मेडिकल हॉल वाले बचाए। आज वो लोग जो है रामविलास की गुणगांव है, मेडिकल हॉल वाले गुणगांव है, लोग बचाए उसके चुंगल से निकलवाए हैं। एक बात बताओ, आज किसी भी केमिस्ट के पास चला गया, केमिस्ट के पास ये तो है नहीं सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसी टाइम, किसी के बिल बुक पूरी नहीं मिली। अब एक बात बताओ, एक केमिस्ट के पास जो है नहीं 10 आदमी लाइन में खड़े होकर दवाइयां ले रहे हैं, दवाइयां लेके चले गए वो, तो इस टाइप की कमियां निकाल के, छोटी छोटी कमियां निकाल के जो है नहीं उनसे ऐसे कराया करता। ठीक है भाई, अब अगर सुरेश चौधरी की बात की जाए तो ड्रग इंस्पेक्टर सुरेश चौधरी के ऊपर एक बड़ा सवाल आ करके खड़ा हो चुका है, बैठे हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो पा रही है। और आपको बता दें तो लुकआउट नोटिस जो है वो भी जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 महीने हो चुके हैं, इस केस के अंदर कोई भी कार्रवाई। उनकी पनाह के बगैर पुलिस छोड़ है गया 5 मिनट में, विजिलेंस वाले उसको कहीं ना कहीं से गुचलाते। नेताओं ने उसको बचाया है, नेताओं ने उसको भगाया है, और नेता ही उसको बचाने में लगे हुए हैं। अगर उसकी इनकी कार्रवाई करवाओ, मेरी तो अपील है जिन भाइयों के पास इनके खिलाफ सबूत हैं वो हमने ले के दो, सारे भाई मिलके लड़ेंगे। मैं तो कहूँगा 1200 मेडिकल हॉल वाले इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे मिलके लड़ो ताकि इसकी सजा हो और लोगों को अकल लगे, लोगों को